इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी पेपर लीक पर इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें। इनसे एक पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को बीस गुरु बनाएंगे। ना पुलिस से डरते, ना हम एफआईआर से डरते, ना हम पुलिस की गोलियों से, ना उनके डिटेक्टिव से, ना उनकी बसें से डरते। पूरे पेपर लीक के स्कैंडल से, गिरोह से, तो वो भाजपा की सरकार है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बहुत अहंकारी हैं, लेकिन ये अहंकार भी हमने टूटते हुए देखा है। सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल ही बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ इनका मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। जहाँ जहाँ की डबल इंजन की सरकार है वहाँ वहाँ पेपर लीक करने का पहला काम इन लोगों ने किया है। नीट के लिए है, नीट के एग्जाम को दोबारा कराने के लिए। और अगर राजनीति की बात करें तो भले पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति कर रही हों, लेकिन छात्र इस मुद्दे पर लगातार गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं। ना सिर्फ री नीट की मांग कर रहे हैं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद में भी अब मुद्दा उठने लगा है, क्या कुछ कहें? ये जो मुद्दा है, जो बार बार एग्जामिनेशन में स्कैम्स हो रहे हैं, जो ये एनटीए कर रहा है, जो युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रहा है, ये मुद्दा सिर्फ संसद तक नहीं रहना चाहिए। ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होगा। हमारा पूरा डिमांड ये है कि पूरा का पूरा एनटीए को स्क्रैप करा जाए, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। हमें सरकार के छोटे मोटे कैंडीज से स्टूडेंट्स खुश होने वाले नहीं है। अब वो टाइम आ गया कि जो छात्र हैं वो क्लासरूम से निकलकर सड़कों पर आ गए और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये जो पूरा पॉलिटिक्स है, जो पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का माफिया है, इसको ख़त्म करना, पूरे सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल चेंज लाना, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को ख़त्म करना, ये हमारे डिमांड्स हैं। और जब तक ये नहीं पूरे आते हम लोग यही बैठेंगे कि इनडेफिनेट सिटिंग स्ट्राइक है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे डिमांड्स नहीं पूरे होते हैं। आपको डिटेन भी कर लिया गया था, आप लोग फिर आ गए? क्योंकि हम लोग पुलिस की मार से नहीं डरते। कल इतना ब्रूटली डिटेन करा, आज हम लोग फिर यहाँ पे आगे बैठे और हम बोलते हैं कि हम ऐसे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे डिमांड्स नहीं पूरे होंगे। हम ना पुलिस से डरते, ना हम एफआईआर से डरते, ना हम पुलिस की गोलियों से, ना उनके डिटेक्शन से, ना उनकी बसेस से डरते हैं। और आपके पास लौटेंगे सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये नीट के मुद्दे उठ रहे हैं, संसद में भी उठे हैं, क्या कुछ लगता है नीट? मैं इस देश की सज्जा भी चाहते हैं, बुलडोजर में चाबी डाल के बुलडोजर लेके किसी का घर तहस नहस कर देते हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी पेपर लीक पर इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें। एक भी पेपर लीक पर इनका बुलडोजर नहीं चला और ये कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या डंडे की नोक पर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं क्या है देश के लोगों को? क्या डंडे की नोक पर बनाना चाहेंगे क्या विश्व गुरु है? इनसे एक पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आपके पास लौटूंगी, एक सवाल आपसे है, नीट एनटीए को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की जा रही है। अब दो पार्टियां आपस में लड़ रही है, एक जो कह रही है एनटीए को रद्द की जाए, तो दूसरी पार्टी कह रही है एनटीए हमने तो लाया नहीं था, ये कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस का लाया हुआ हम क्यों रद्द कर दे, क्या कहेंगे आप? सरकार में कांग्रेस तो है नहीं, अगर आप सरकार में हैं और जो संस्थान इन प्लेस हैं उनसे जनता को दिक्कत हो रही है तो आप ही रद्द करेंगे, कोई और क्यों रद्द करेगा? और जब से आपकी सरकार आई है, 2017 में एनटीए का गठन हुआ था, तब तो नहीं थी कांग्रेस सरकार सेंटर में, 2017 में इनकी सरकार सेंटर में थी, पूर्ण बहुमत से सेंटर में थी। तो अगर 2017 से एनटीए है और पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा ही सरकार लेगी। अगर हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी का लिंक बिना किसी डाउट के मिल रहा है इस पूरे पेपर लीक के स्कैंडल से, गिरोह से, तो वो भाजपा की सरकार है। तो हाँ, भाजपा की सरकार ही इसका जवाब देगी। भाजपा के नियुक्त एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ही रिजाइन करेंगे। भाजपा की जो सरकार पिछले 7 सालों में, जिसमें 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, वही जवाब देगी। भाजपा के टेन्योर के दौरान 2017 में जिसमें एनटीए का गठन हुआ, उसकी फेलियर के बारे में भी भाजपा ही सरकार जवाब देगी। एक बात कही जाती है इस सरकार के बारे में, चैन की नींद। आप वहाँ पर कितने भी चिल्लाते रहे, शोर शराबे करते रहे, सरकार आराम से सो रही होती है, आराम कर रही होती है, अभी भी कहीं ना कहीं वही रवैया दिख रहा है, क्या लगता है कुछ असर होगा आने वाले समय में? ये तो आप सच कह रहे हैं कि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा एरोगेंट है, अहंकारी। पूरे चुनाव के दौर में जिस तरीके से भी हमने बातचीत सुनी कि 400 पार का नारा लग रहा था,
इससे ये बात साफ है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बहुत अहंकारी हैं, लेकिन ये अहंकार भी हमने टूटते हुए देखा है इसी सत्ता पक्ष के लोगों के ताकत में होने के बाद। किसानों ने छक्के छुड़ा दिए इस सरकार के और इस सरकार को 3 कृषि कानून वापस करने पड़े। इसी सरकार के टेन्योर के अंदर सीए का विरोध करते हुए, इक्वल सिटीजनशिप की डिमांड करते हुए, जब संता ने सड़क जाम कर ली तो इस सरकार थरथरा के कांपने लगी। इसी सरकार के अंडर छात्र जब सड़कें आबाद करेंगे और उस आबाद सड़कों से ये नारा जाएगा कि एनटीए को रद्द करना होगा, जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वो रद्द करना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना होगा, तो ये सरकार ज़रूर मजबूत होगी। अगर सरकार अहंकारी है तो हमें भी अपने मुद्दों पर, अपनी परेशानियों पर, अपनी डिमांड्स पर पूरा भरोसा है। कब तक लड़ेंगे? अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं, डिटेन भी कर लिया गया, पहले भी आपको सड़कों पर घसीटा गया बहुत बुरी तरीके से हमने देखा, कब तक लड़ते रहेंगे? हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान वो रिजाइन नहीं करते हैं, और एनटीए जैसा संस्थान, सोसाइटी है वो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बात मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ, वो एक सोसाइटी है जो आप और मैं चाहें तो किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं अपना सोसाइटी, वो ऐसा ही सोसाइटी है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उठो युवाओं, आगे आओ, उठो युवाओं, आगे आओ, अपनी हक की आवाज उठाओ और हिंदू मुस्लिम के नींद से जागो और देश बचा लो इन चोरों से। कौन चोर है? कौन चोर हो तो आप जानती हैं कौन चोर है, कौन तानाशाह है वो तो आप भी जानती हैं कौन तानाशाह है, जो इस स्तर पर युवाओं से लेके गरीबों से लेके जो अत्याचार करने वाला है, कौन तानाशाह है? आप तो सब लोग जानते हैं, आप तो हमसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे मीडिया पत्रकार हैं आप लोग। आदमी है, अच्छे अच्छे हैं, मोदी जी पीएम तीसरी बार बने हैं, हम्बल आदमी है तभी तो। मीडिया तीसरी बार नहीं चल रहे हैं, हम्बल आदमी नहीं है वो, तानाशाह आदमी है। तानाशाह बोलने आप लोगों को शर्म लगता है क्या? वो एक अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, सब चीज है उनके अंदर, क्या नहीं है उनके अंदर, वो कह रहे तीसरी बार। अब की बार ऐसा खेला होगा, और सुनिए, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ इनका मीडिया मंडल भी बदल जाएगा, इनका मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है आवाज उठ रही है और ये छात्र इस वक्त गुस्से में है और आपको कह रहे हैं लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, क्या कहें? 10 साल से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र के, क्या वो आलू छिलने का काम कर रहे हैं क्या? आलू छिलने का काम कर रहे हैं क्या? आज तक केंद्र में कोई कानून पारित नहीं होगा, एल पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार, क्यों नहीं अभी तक पेपर लीक करवाई हुआ है, अभी तक क्या नहीं हो रहा है? एनटीए हमने नहीं लाया था, आप एनटीए रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एनटीए को कांग्रेस लाई थी, हम क्या क्यों रद्द करें? अच्छा, एनटीए कांग्रेस लाई, तो आप केंद्र में क्या कर रहे हैं? आलू छिल रहे हैं क्या केंद्र में बैठ के? आप, आपका काम है, आपके अंडर एनटीए आता है, आप पूरी तरह से उसको जांच करवाइए, और क्या है युवाओं के फिर से युवा भेजकर के रोजगार दिलाने का चुप करिए आप। कहां से लाएंगे? अरे तो क्या कहेगा, हम तो कह रहे नहीं, लेकिन ये पेपर तो लिख करा देते हैं, पेपर तो लिख करा देते हैं, सरकार बना देते हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, सरकार बनाते हो कहते हैं तुम हमको वोट दोगे, हम तुम्हारा उज्जवल भविष्य कामना करते हैं, अब कहाँ चली गई सरकार? क्यों नहीं बोलती है युवाओं को, बेरोजगारों पर, गरीबी पर, शिक्षा पर क्यों नहीं बोलती है? बोल तो रहे हैं मोदी जी की सब कुछ इस वाली सरकार में सब कुछ ठीक कर देंगे, तीन 10 साल से उनकी केंद्र में नहीं की सरकार है, क्या कांग्रेस की सरकार है क्या? 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और डबल इंजन की सरकार, जहां जहां की डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पेपर लीक करने का पहला काम इन लोगों ने किया है। हमारे यहाँ यूपी में योगी बाबा ने पीयूपी में पेपर से लीक चालू करवाए थे, आज तक वो कह रहे हैं कि कानून बना रहे हैं, ये बैठक कर रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं, आज तक कोई उन पर कानून का कर बनाए नहीं, अभी तक नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है विपक्ष। लीक पे नाम पर नहीं, वो देखिए मैं बता रहा हूँ जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उनकी आवाज और मुद्दों को उठाने का काम कर रही है विपक्ष। राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं नीट के बारे में, फिर भी सड़क पर आप लोग उतरे हैं, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है?
मैं बता रहा हूँ, वो तूफान नहीं आंधी है और जिसका नाम राहुल गांधी है। तो लगातार मांग उठ रही है और जंतर मंतर पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। छात्रों का गुस्सा चरम पर है और वो साफ बता रहा है कि इस बार वो नीट का हिसाब करके रहेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।